औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी हम पड़सी बाकापुर यहाँ पर आए हुए, और यहाँ पर जो अमरण उपोषण के लिए यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं निहाला समाज से, तो हमारे साथ संजय सर भी है। संजय सर से मालूम लेते हैं कि जो अमरण उपोषण है, क्या क्या सरकार से मांगनी है आपकी, और ये अमरण उपोषण कब से बैठे हैं आप, कब तक रहेगा, उस बारे में उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। संजय सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो आप अमरण उपोषण के लिए बैठे हैं, सरकार से क्या क्या मांगनी है आपकी, उस बारे में। सरकार से मांगनी कुछ ज़्यादा नहीं, हमारी एकज मिशन मराठा आरक्षण है हमारा, पर जब तक हमारे को मराठा आरक्षण मिलता नहीं जब तक हम यहाँ से उठेंगे। सर, कितने दिनों से आप ये अमरण उपोषण के लिए बैठे हैं? ये 25 तारीख से सागली उपोषण चालू है और 31 तारीख से अमरण उपोषण चालू है। सर, क्या वजह है कि मराठा समाज पूरे महाराष्ट्र में अमरण उपोषण कर रहा है मगर मांगनी पूरी नहीं हुई, क्या वजह? अभी ये सरकार ही बोल सकती क्या वजह है। तो अभी हमारा तो बोलना है, हम जब भारत स्वतंत्र हुआ जब हमारे को जो आरक्षण दिया था वही आरक्षण हमारे को मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सरकार, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि कम से कम 7,000 लोगों को आरक्षण दिया जाएगा और बाकी के जो लोग रह जाते हैं उनको नहीं मिलेगा, उस बारे में जनांगे पाटिल साहब भी इनकार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे को तो सर सगट मराठा आरक्षण चाहिए, क्योंकि हमारे जो बिरादारी के लोग है वो सब आरक्षण में, जैसा विदर्भ है, इधर खानदेश है, कुछ पश्चिम महाराष्ट्र है, वो लोगों को हमारा आरक्षण है और हमारे को नहीं, हम उससे वंचित है। इसीलिए हमारी मांग है कि हमारे को सर सगट आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे कुछ बिरादारी लोगों को विदर्भ से घरवाली लाए भी है, जैसे कि उनका वो OBC में है और हम मराठा में, तो हम क्या अंतर जातीय विवाह करें क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, जो हमारा विवाह हुआ है उसमें हमारे बच्चों को, या हम कुणबी मराठा समझे या मराठा समझे, ये हमारे को भी समझ रहे नहीं। संजय सर, आप मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में मांग चालू है, मगर मांग के साथ साथ भी जो जनता को परेशानी हो रही है, आज रास्ते रोको आंदोलन हो रहा है, दूसरी और परेशानियां हो रही है, उस संदर्भ में क्या करें? अब ये तो सरकार की वजह से हो रहा है, सरकार ने टाइम लिया था, हमारे जरंगे दादा ने टाइम भी दिया था, वो टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद में 10 दिन बढ़ा के दिए थे, वो भी टाइम ख़त्म हो गया, और उसके बाद में अभी 8 दिन हो रहे जो अमरण उपोषण चालू है, तो अभी भी सरकार कोई ठोस निर्णय ले रही नहीं है, इसीलिए लोग जो है इनकी परेशानी हो रही है। सर, आप जो अमरण उपोषण के लिए यहाँ पड़सी के ऊपर बाकापुर में बैठे हुए, तो यहाँ आपके साथ में कौन कौन सी पार्टियाँ और कौन से समाज के लोग भी आपके साथ शामिल हो, उस बारे में? हमारे में तो सब 18 पकड़ के जाति लोगों का, 18 पकड़ के जो जाति लोगों का ये है, वो सपोर्ट हमारे को है। आपका नाम बोल दीजिए, यहाँ का एड्रेस बोल दीजिए। मेरा नाम संजय नाना साहब दांडगे, उरुड सुल्तानपुर, और ये पड़सी पीसा देवी चौकुली कैम्ब्रिज बाईपास। अलग अलग भाषण दिए जाते हैं राजनेताओं की तरफ से, मगर यहाँ पड़सी बाकापुर में देखने में आया कि अल्पसंख्यक समाज के अयूब साहब भी मराठा समाज के साथ खांदा लगा कर यहाँ बैठे हुए हैं अमरण उपोषण के लिए। अयूब साहब से भी कुछ जानकारी मालूम करते हैं। अयूब साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और ये जो महाराष्ट्र मराठा समाज जो अमरण उपोषण के लिए बैठा है, क्या कहेंगे आप, उनका हक उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उस बारे में? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने हमारे इस पंचक्रोशी में आके हमारे कुपोषण की दखल लिए, इसके लिए मैं हमारे पंचक्रोशी से आपका इस्तकबाल करता हूँ। और पड़सी बकापुर शामवाड़ी दो तांडे है हमारे, बड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई लफड़ा ही नहीं। ये मसला सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ लोग करते हैं, लेकिन हमारी सबसे पहली गुजारिश ये है कि हमारे जो काश्तकार भाई है, जिसे हम आज भी कुनबी कहते हैं लेकिन वो मराठा है, इनको कुनबी सर्टिफिकेट लेके और इनका आरक्षण इनको देना चाहिए, यह हमारी सबसे भावना अहम होती है। और सभी मराठा पाटिल नहीं है, सभी मराठा के क्षेत्रीय है, लेकिन उनके पास आज किसके पास खेती है किसके पास खेती नहीं है, और उनकी आर्थिक परिस्थिति एकदम बिकट है। किसी के एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, किसी की शादी का होगा, किसी के बाल बेटी का होगा, प्रॉब्लम बहुत ही बदतर हालत हो गई है। अल्पसंख्यक की जैसी हालत है, SC की जैसी हालत से उससे भी बेकार हालत आज मराठा समाज की हुई है। तो हमारी सरकार से यही ख्वाहिश है, जल्द से जल्द मराठा आरक्षण मिले। सर, अभी आपने बताया कि
मराठा समाज भी खेती करने वाले हैं, एजुकेशन के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। अगर मराठा समाज को आरक्षण मिलता है तो आप एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं तो क्या आप मुस्लिम आरक्षण की भी मांग करेंगे? मुस्लिम आरक्षण मुसलमानों को आरक्षण होना नहीं होना वो हमारे वरिष्ठ लोग ठहराएंगे, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है पहली बात, क्योंकि वो आरक्षण के निर्भर नहीं है। वो तोस बेचेगा, केले बेचेगा, हथगाड़ी लूटेगा, झींगे बेचेगा, बोमिल बेचेगा और व्यवसाय करेगा और अपना खुद का परिवार चलाएगा, लेकिन मराठा समाज का वैसा नहीं है। मराठा समाज का रोजी रोटी कमाने का एक ही तरीका है और वो है खेती। और खेती में तो तुम देख रहे हो आसमानी संकट, और आसमानी संकट से जब जो लागत ही नहीं लगाते, वहाँ जो लागत लग रही है 10,000 की लागत लगाए 5,000 वापस मिल रहे, फिर वो आत्महत्या कर रहे लोग, किसान लोग। सर अभी आपने बताया कि मुस्लिम समाज को आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है, मगर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, प्याज का दाम 50 से 100 रुपये हो गया, उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही, ना कोई मुद्दों के ऊपर ध्यान, उसके बारे में क्या बोलेंगे? आपको पूरा नाम बोलिए। मैं अयूब पठान, पलसी का मायूब सरपंच। महंगाई का मुद्दा तो आम तौर पर है, महंगाई मीडिया वाले कब उठाते? जब प्याज महंगी हो गई, जब भाजी महंगी हो गई, जब मिर्ची महंगी होगी, जब महंगाई का मुद्दा उठाते। लेकिन मीडिया वाले ये मुद्दा नहीं उठा रहे। 500 का गैस 1,000 में मिल रहा है, पेट्रोल 50 रुपये का 100 रुपये में मिल रहा है, आज एक बाइक की कीमत 50,000 थी वो 1,00,000 में मिल रही है। मीडिया वाले ये महंगाई का मुद्दा नहीं उठाएंगे, मीडिया वाले सिर्फ यही मुद्दा उठाएंगे, किसान का अगर भाजीपाला महंगा हो गया, किसान की ज्वारी बाजरी महंगी हो गई, किसान का अगर प्याज महंगा होगा, तो ये महंगाई मुद्दा दिखेंगे आपको। लेकिन महंगाई मुद्दा ये नहीं दिखेगा पेट्रोल डीजल के दाम क्या है, गैस के क्या दाम क्या है, और जो रिश्वतखोरी चल रही है 10%, 20% कमीशन लेके कोई भी काम हो रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। चलिए मिलते हैं हमारे साथ में जो अमरन उपोषण के लिए जो बैठे हैं खास साईनाथ सर, साईनाथ सर से भी पूछते हैं। साईनाथ सर, कितने दिन हो गए अमरन उपोषण करके और क्या वजह है कि सरकार आपकी मांगनी को पूरी नहीं कर पाए? हमारा ये अमरन उपोषण को आज 8 दिन हो गए, उपोषण 12 दिन हो गया, अमरन उपोषण 14 दिन, और हमारी सब सरकार को मांग है हमारी ये मराठा समाज जो हर सब देश भर में बड़ा संख्या से समाज है, और ये समाज को हमारा आरक्षण, हमको शिक्षण के लिए आरक्षण होना, हमको कोई राशन के लिए आरक्षण होना, हम किसान लोग आए और जो खेती करता है उसका हक है, और उसको जरंगे पाटिल ने भी बोला, कुल भी बोल के उनको सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट देने को कोई था, ये देश का पोशिंदा शेतकड़ी देश को पालनहार है, तो इसलिए हमको हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी सब मराठा बांधों को समाज को आरक्षण सरकार ने देना चाहिए। सर कुछ दिनों के बाद में ग्राम पंचायत या महानगर पालिका, विधानसभा या लोकसभा के इलेक्शन आने वाले, मराठा समाज का क्या रुख रहेगा जब वो इलेक्शन आएंगे? आजकल इंडिया की राजनीति दिन में दिन बहुत गंदी राजनीति चल रही है, सरकार ये कौन सा भी पक्ष का हो, कौन सा भी पार्टी का हो, ये जनता को न्याय देने के लिए सरकार है, लेकिन ये सरकार आजकल के राजनीतिक लोग ये हिंदू मुसलमान पे आज तक ये राजनीति, देश की राजनीति चला रही, लेकिन अभी सरकार कौन सी भी आने वाली नहीं, आम जनता आप खड़े रहेंगे और आम जनता को आप चुन के देंगे और वहाँ कैबिनेट में भेजेंगे और जनता के वो सेवा करेंगे। सर आप लोग अमरन उपोषण के लिए बैठे हैं, कुछ दिनों के बाद में दिवाली का सन, दिवाली का त्यौहार भी आने वाला है, किस तरह से मनाएंगे दिवाली और क्या आह्वान करेंगे मराठा समाज से और महाराष्ट्र की जनता से? हमारा बोलना है ये जब तक हमारे को ये मराठा समाज को आरक्षण मिलता नहीं तो तब तक हम दिवाली मनाएंगे नहीं। हमारी दिवाली जब ये समाज को सब आरक्षण मिलेगा तभी हम दिवाली मनाएंगे। मेरा नाम साईनाथ रहने वाला, मैं मांडवी गांव का हूँ और ये पंचकुर्सी की ओर से हम आरक्षण एक मिशन बढ़ो, चलेंगे बड़ी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
करेंगे वडील तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चरम क्या हक्का च नहीं कुणाचा वापस, चरम क्या हक्का च नहीं कुणाचा वापस। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा। चलेंगे लड़ेंगे जीतेंगे हम सब चलेंगे। एकच मिशन मराठा आरक्षण, एकच मिशन मराठा आरक्षण। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। जरंगे पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब जरंगे मरेंगे या जीतेंगे, हम सब जरंगे मरेंगे या जीतेंगे, हम सब जरंगे। एक मराठा लाख मराठा, तुमचा आमचा नाता काय, जय जय शिवराय। जरंगे पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे